करने देने दोनों को अरे यार देख क्या हो पूरा इसका भाई हमने वो ट्रेन किया ना Come, you also come. Come on. Yeah. At least three sisters. Hey. Yeah, three sisters are together. Oh, Mirza sister. No, maybe. Hi, man. Hi. Yeah, cover us. Super acting. Thank you. क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप बताएं आप देखकर आए हैं अभी आपको कैसा लगा आपको क्या कहना है आप सब जाके देखिए हक से प्लीज जस्ट सो आप ये देखकर आए हैं वापस देखिए डाउनलोड करके आप लोग देखिए ऐप डाउनलोड कीजिए बार बार देखिए सबको बताइए और अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा मतलब फाइनेंशियल मैम आपका कैरेक्टर फनी कैरेक्टर हां मजा आपको बहुत मुश्किल था फनी कैरेक्टर करने को क्योंकि कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है और अगर आपने देखा होगा कैरेक्टर के पास एक अलग सा एक्सेंट है और मैं कनाडा से हूँ तो मुझे ये कश्मीरी पंजाबी अलग सा जो एक्सेंट था थोड़ा डिफिकल्ट लगा था बट इट वाज फन एंड सारे ड्रामा में इन ऑल द हार्डशिप्स जैसे आपने कहा मैं फ़नी हूँ सो आई होप कि आपको हंसी आई ओके थैंक गॉड बस हंसी आई तो ठीक है मेरा कैरेक्टर आप लोगों की तरह एक जर्नलिस्ट है और वो काफ़ी रिबेल है वो सोचती नहीं है कुछ अपना ओपिनियन लिखने से पहले कुछ आर्टिकल लिखने से पहले शी रन्स अ प्रोवोकेटिव ब्लॉग एंड या शी इज़ प्रॉपर रिबेल अगर हम सब जर्नलिस्ट जन्नत मिर्ज़ा की तरह हो जाएं तो तबाही मचा देंगे फिल्म नहीं है वेब सीरीज है बट इट फील्स गुड व्हेन समवन सेज इट्स अ फिल्म वो बॉयफ्रेंड नहीं है वो 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 उधर प्लान करिए वो अजी है वो बॉयफ्रेंड नहीं है वो करता है ना तो वो नहीं जन्नत नहीं हाँ वो करेगी या नहीं करेगी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा या किसी और से करेगी या वो किसी और से करेगा वो या तो आपको बुरा लगा उनके लिए या आपको जन्नत के लिए बुरा लगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहूंगा कितना अच्छा मीडियम हो गया है मैसेज पोर्ट्रेट करने के लिए देखा जाए तो फिर बहुत कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया है वी आर इन अ टाइम जहां मैं जानती हूं जितने एक्टर्स डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर वर्क क्योंकि अब इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इतने वेब शोज हैं इतने चैनल्स हैं डिजिटल मीडियम इज बिन अ बून टू ऑल ऑफ अस वी ऑल आर वर्किंग थैंक्स टू डिजिटल मीडियम एंड we can put our opinion across without any censors so iski achhi baat ye hai that it's very consumer friendly so control aapke haath mein aapko jitna dekhna hai aap dekh sakte ho aap bol gaye forward kar sakte ho ads nahi dekhne hai and content ke sath hamare paas advantage hai ki hame jo dikhana hai hum dikha sakte hain inse puchiye ha नहीं एक्चुअली दे कवर्ड मोस्ट ऑफ इट एंड आई जस्ट थिंक दैट डिजिटल पे इफ यू आर डूइंग शोज लाइक वॉट वी आर डूइंग हक से देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ फिल्म और डूइंग दिस बिकॉज दिस कुड हैव इजिली बीन अ फिल्म एंड ये आपको एक अगर हम जोड़ के सेम कॉन्सेप्ट बना देते बट सेम चीज़ है काम बहुत अच्छा है द कॉन्टेंट डजेंट इट द कॉन्टेंट हैज़ टू बी गुड डजेंट मैटर इफ इट्स डिजिटल ऑफ फिल्म एक्साइटेड हूँ नर्वस हूँ बट होपफुली इट्स गोइंग बी फन बिकॉज डबिंग करते करते जो देखा था वी रियली आई रियली लाइक्ड इट एंड एक्साइटेड बहुत हूँ इफ यू कैन
you put it here, you can see that, you can hear probably kitna mera heart beat kar raha hai. But yeah, it's gonna be fun. आपको अच्छे लगे? आपने देखे? अच्छा लगा? Oh, very good. Thank you. एक climate देखा है कश्मीर का. कश्मीर के वादियों को कितना जानते हैं? उसके climate को कितना जानते हैं? वहाँ पे जो issues हो रहे हैं उसके बारे में कितना आप जानते हैं? So basically, I'll tell you a secret. I was conceived in Kashmir. ये मेरी माँ ने मुझे बताया था. तो in a way मैं कश्मीर का, you know, उनकी संतान हूँ. But yeah, the issues obviously are troubling to everyone. It's not easy being part of any dispute or any kind of trouble anywhere. It was damn good fun working with her because Parul aur main ek dusre ko thoda sa pehle se jante hain, zyada nahi, par uske sath pehli baar kaam kiya. So hamara off screen chemistry sabka hi bahut acha tha. We used to pull each other's leg, so it was very comfortable working with her. So I think, and also because of Ken sir, we did a lot of workshops, got to know each other. So because of that, that fun actually kind of comes across on screen, which is the nicest part. And when you work with people that you like, so chemistry I don't think is a problem, then just happens naturally. It could first season ke baad ka kafi acha raha aur kafi audience ko bandhe rakha first season. और कंप्लीट नहीं हुआ देखा जाए तो फर्स्ट सीजन के साथ, तो सेकंड सीजन का आने तब तक आशा है और क्या होगी इसको भी थोड़ा बता सकते हैं? वो आई थिंक यू शुड हैव टू आस्क एकता मैम बिकॉज़ आई हैव नो आईडिया, बट या होपफुली सीजन 2 होगा, और होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि लेट्स सी अब पीपल, आप लोगों को अच्छा लगा है तो होपफुली अब बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा. अच्छा ओके, तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा तो या फिर सीजन 2 करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी मैडम. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा लगता है कि पूरा एक नया दुनिया खुल गया है इस ऐप से, क्योंकि टेस्ट केस भी मैंने देखी बहुत बेहतरीन है, बोस जो आप सब ने देखी वो भी बहुत बेहतरीन है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी समथिंग अमेजिंग. और बहुत आई थिंक ऑफ लेट हमने कश्मीर के ऊपर लास्ट क्या आई थी हैदर, उसके बाद हमने कुछ देखी नहीं, और ये 5 लड़कियों के बारे में है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट गर्ल्स इन कश्मीर आर लाइक. बात की जाए तो आज की जनरेशन, आज की जो जिस तरह आज की एनवायरनमेंट चल रहा है इन कश्मीर या सोशल मीडिया, कुछ भी देखा जाए ये नॉर्मल हो गया फतवा जारी करना या कुछ भी. ये कंटेंट हमें इस वेब सीरीज में भी देखने मिला, इस फतवे को किस तरह लेती है एक फ्रीडम ऑफ, किस तरह लेती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फतवा होता है वो आई मीन डिपेंड करता है. लास्ट किसको मिला था फतवा? नहीं आई थिंक फतवा ऐसे ही नहीं जारी करते हैं, आई थिंक देयर इज़ अ प्रोटोकॉल टू इट. एंड एक पर्टिकुलर विषय में हो तो मैं बोल सकती हूँ, पर आई डोंट नो अगर ऐसे ही फतवा देते हैं. मैम सिंगिंग कर रही है वो देखा जाए तो फिर, और उनको को फतवा जारी कर दिया गया तो फिर ये नॉर्मली आज भी हो रहा है देखा जाए तो फिर इन पाकिस्तान देखा जाए तो फिर क्या कहना चाहेंगे आज भी गर्ल्स सेफ नहीं हम ये बोल सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो फिर. सी द मॉडर्न इंडिया जो है और जो लड़कियां हम जैसे लड़कियां जो सिटीज में रहती है आई थिंक वी आर स्टिल मोर सेफर देन जो कि छोटे शहरों में या कश्मीर में या तो आप बोल रहे हो जो पाकिस्तान में हो रहा है. Compared to them, yes, we are much, much safer. How was working with the director? How was the experience? Where am I? Did you see the poster? No, I'm not in it. She's only associated with ALD. So, ab jaane wale hain, aap ko kaun hope hai aane wale hain? Sorry? Yeah, Rajkumar bhi aane wala hai. Nahi. Sorry, nahi. Okay, thank you. Okay. Clear. Okay.
स्क्रीनिंग ओके स्क्रीनिंग है हाँ तो एक्चुअली हमेशा स्क्रीनिंग के टाइम पे मैं आई बिकम नम तो एक्चुअली मेरा टेंशन ये चल रहा है कि मास्टर अभी जाना है रिलीज है 3 दिन में तो मिक्सिंग चल रहा है फाइनल मिक्सिंग आउटपुटिंग मास्टरिंग तो मेरा टेंशन वो है तो ये एक्चुअली चैलेंज होता है वेब का कि वन डे आप रागिनी एमएमएस जॉनर का एक शूट कर रहे हो सेकंड डे यू आर डूइंग समथिंग जो एक मुस्लिम ड्रामा सोशल ड्रामा यू नो सेट इन कश्मीर या तो नेक्स्ट डे यू आर शूटिंग समथिंग लाइक अदेव डीडी तो वो इंटरेस्टिंग होता है ये एक हमेशा मतलब इट विल कीप गोइंग के कुछ लोग सम पीपल विल ट्राई टू टेक यू बैक सम पीपल विल बी वांटिंग टू गो फॉरवर्ड तो ये जो पुश एंड पुल है वो चलता रहेगा आई थिंक सालों से चल रहा है एंड आगे भी चलेगा नहीं थैंकफुली हमारे जो राइटर्स हैं देविका भगत एंड रेणुका उन्होंने बहुत रिसर्च किया था एंड मेरे लिए काम बहुत आसान था बिकॉज एक बाउंड स्क्रिप्ट जो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट था केम टू मी एंड इट वाज इजी सर कहां से ख्याल आया इस वेब सीरीज का नाम हक से रखने का मेरा वो सब दैट इज ऑल एकता कपूर एंड द टीम एट ऑल्ट दैट इज देयर ब्रेनचाइल्ड मनाली में शूट हुआ देखा जाए तो कश्मीर की वादियां दिखाई गई कितना डिफिकल्ट हुआ ये दिखाना देखा एक्चुअली कश्मीर अलग है मनाली अलग है हां तो एक्चुअली पहले से रोजा एक फिल्म था तो दैट वहाँ से देव बीन शूट मनाली हमेशा यूज़ होता है टू मैच कश्मीर तो थोड़ा बहुत शूटिंग किया हम लोग ने कश्मीर में एंड द मैक्सिमम मेजॉरिटी इन मनाली ऑफ कोर्स सोल्यूशन है बट सोल्यूशन निकालने में टाइम लग गया एंड बहुत सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों साइडों से तो आई थिंक हर प्रॉब्लम का एक सलूशन है ये जब वेब के लिए आप शोज बनाते हैं तो एक सीजन के लिए नहीं तो आप देख लो थैंक यू कॉल एकता कपूर एंड शी विल लेट यू नो थैंक यू सो मच डाउनलोड कर लिया वाला है फोटोशॉप कर यार ऐसे सीन में मत देख लेना सिर्फ YouTube पे तुमने 2-3 एपिसोड देख लिए उसके बाद ऑल्ट बालाजी डाउनलोड नहीं किया शादा वही करता है शादा भी है शादा मतलब ये वाला शो भी नहीं देखते हो ऊपर से ऐप भी डाउनलोड नहीं करते हमारा नहीं नहीं मैं शादा सूट मैम उल्टा डाउनलोड वही करता है मैं पास पे करके मूवी नहीं देखी उसने सब नहीं करता है सब कुछ ही करते हैं Thank you guys. My sister lady. So यार यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब देखिएगा और बहुत प्यार से बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बना है बहुत इमोशनल है बहुत
विजुअली बहुत खूबसूरत है एंड आप एक एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद का एपिसोड भी देखना चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके अब चार-चार बेटियों का मां का मेरे पर चार चार बेटियों की और इस देश की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये क्या बात हुई? अच्छा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे कन्विंसिंगली चार बेटियों की माँ का रोल प्ले करना है और एक बैलेंस रखना है। एक ऐसी माँ का किरदार है वो, जो कि स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन वो अपनी बच्चियों को बहुत मोहब्बत भी करती है और उनके ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती है, बट उन अपनी बच्चियों को वो उन सब चीज़ों से भी बचाना चाहती है जो कि उस स्टेट में उनके लिए सेफ नहीं है। पांच एपिसोड देखे मैम, पाँचों में बांधे रखा देखा जाए तो फिर हमें हिलने का भी चांस नहीं दिया गया। और कितने एपिसोड्स हैं इसमें टोटल, इसके बारे में बताइए? 20 एपिसोड्स हैं इसमें और आई थिंक वो लोग किस तरह रिलीज कर रहे हैं ये आपको ऑल बालाजी वाले बता पाएंगे। शायद 12 कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कर रहे हैं, तो आई थिंक या तो क्या शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी 20 पूरे की है? तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मनाली में शूटिंग करके और कश्मीर की वादियों को दिखाने का? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि अरे भाई यूरोप जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, बट बहुत सालों बाद मनाली जाके मुझे ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। और अगर आप मनाली में और थोड़ा ऊपर जाते हैं मैक्लाउडगंज और उस साइड में तो यू विल फील के मतलब मैन मेड कुछ नहीं है, सब नेचुरल है हमारे यहाँ और बहुत ही हसीन है। सो इट वाज एन अमेजिंग, इट वाज लाइक रीडिस्कवरिंग हिमालयस फॉर मी। परफॉर्म करने में जानना चाहूँगा, अच्छा मीडियम हो गया मैसेज करने का, प्लस इसमें ये भी होता है कि ऑडियंस का रिएक्शन जो ऑन द स्पॉट मिलता है और रिएक्शन कितने इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए? यार रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अपने घर में बैठ के देखने के लिए तो बना नहीं रहे ना। सो दे ऑल आर मेकिंग फॉर द ऑडियंस एंड इफ ऑडियंस इज गोइंग टू लव द शो एंड देयर रिएक्शंस आर गुड देन द बैटल इज वन। तो शो के बारे में कैसे बता दूं मैं आगे क्या होने वाला? वाह क्या इंटेलिजेंट बात, या वेरी नाइस। अच्छा करंट जो इशू चल रहा है मैम फतवा का, तो इसके लिए क्या कहना आपका? यार आई फील टू ईच हिज ओन, मुझे तो फतवा हो या ना फतवा हो, मुझे लगता है कि इंसान को जो भी इंसान है उसका जो मन करता है उसको करते रहना चाहिए। प्लस जो आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, आई फील आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी, लेकिन आपकी जो सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना दिए हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ सोसाइटी के एक चीज़ है कि आपको उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो अगर उसके दायरे में लोग काम कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो फिर एंड आई डोंट बिलीव कि किसी को भी हक है किसी के भी लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये आप ये नहीं कर सकते। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इट्स देयर लाइफ, उनको फाइनली मैम 20 एपिसोड्स कंप्लीट होने के बाद में क्या लोगों की सोच बदलेगी इन चीज़ों के लिए देखा जाए तो फिर आपको क्या लगता है? मालूम नहीं है, सोच तो ऐसी चीज़ है कि वो तो बदलती नहीं है। हाँ ये है कि इंसान थोड़ा रुक के और फिर पीपल टेक अ मोमेंट टू फील के इज दिस ओके और नॉट, आई डोंट नो सोच बदलेगी या नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Wait. चलो
इधर ही करते ग्रुप में करते चलो पहले विजुअल इधर करवा दो बाद में फोटो सब साथ में एक बार विजुअल करते हैं चलो अरे रुको अरे रुको विजुअल के लिए भेजता हूं हां मैम इन हाउस बोथ ऑफ यू सेंटर ऑल ऑफ यू वही हो जाता ना मैं बोलते क्या करना मेरा कचरे का दोस्त है इतना नहीं बोल सकता ओके ओके हो गया थैंक यू घूम कैसा रखा है ए अरविंद लगा भाई चले रेडियो जाओ बूम मैम वेट बूम बहुत एक्साइटेड हूँ इनफैक्ट अभी मीडिया स्क्रीनिंग होके हटी है एंड अ लॉट ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और उनको बहुत बहुत पसंद आया दे स्पेशली मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी एंड सेड दैट उनको कुछ अलग देखने को मिला और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी जिसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप व्हेन द शो इज़ लॉन्च्ड ऑन द सेकेंड आई बिलीव लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा एंड दे रियली रियली ईगली वेट फॉर द नेक्स्ट लॉट टू बी लॉन्च जिस तरह का प्रेशर था आप बड़ी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और साथ में आपकी तीन छोटी बहनें भी प्रेशर तो कोई भी कैरेक्टर प्ले करने में तो छोटी बहन होती तो भी कैरेक्टर प्ले करने पर प्रेशर होता लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था ऑफकोर्स द कैरेक्टर इज़ वेरी काफ़ी ठहराव है कैरेक्टर में रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है वो अपनी छोटी बहनों की ओर और घर में एक शांत प्रिय और एक जैसे कैसे कहते हैं बड़ा योर एल्डर सिबलिंग होता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है अगर कुछ नोकझोंक हो जाती है तो उसमें अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है तो उस सेंस में हाँ एंड ऑल द थ्री ऑल माई थ्री सिस्टर्स जो हैं विच इज़ पारुल आंचल एंड निकिशा हम तीनों ने सेट पे बहुत बॉन्ड भी किया तो वो एक ऑर्गेनिकली वो एक फीलिंग आ गई यू नो कि मैं आई एम द एल्डर सिस्टर ओ इट वाज सो मच फन इट वाज अ लॉट ऑफ फन हमने मतलब मस्ती मजाक के बीच में फ्री टाइम में शूटिंग करी है नॉट सो मच आई गॉट वन डे तो मैंने मनाली से खूब सारी शॉल्स खरीदी बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल देयर जिनके पास फ्री टाइम था वो भी जाते थे मॉल रोड लेकिन हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते थे कि हम लोग एज अ टीम रात का जो डिनर है शूट के बाद वॉट एवर टाइम इट इज़ हम लोग साथ में करें तो आई थिंक वो मोमेंट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं हम सभी के द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर एंड हम लोग बिल्कुल एक मतलब ऐसा सर्कल बन गया कि एक दूसरे से अगर ज़्यादा टाइम बात नहीं करते कुछ दिन बात नहीं करते तो थोड़ा अजीब लगता है मैं वही आज रुखसार को भी कह रही थी अरे कितने दिन हो गए बात नहीं हुई सो इट जस्ट फील्स वियर्ड वेब सीरीज का क्रेज काफी बड़ा है देखा जाता है आए दिनों में उसके क्या कहना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्मों का क्रेज कम हुआ है इसके वजह वेब सीरीज की वजह से ऑडियंस सब कंटेंट देखना पसंद कर रही है नहीं आई डोंट थिंक इसमें फिल्मों और डिजिटल कॉन्टेंट का फर्क है इसमें कॉन्टेंट का फर्क है आजकल ऑडियंसेस बहुत रियल हो गई हैं उनको इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट चाहिए है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब से बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बाहर से यहाँ आए हैं
स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का जो मेट्रो सिटीज़ और ए टियर सिटीज़ हैं उनका जो एक व्यूअरशिप है वो काफ़ी वहाँ उस ओर चली गई है. फॉर एग्जांपल मेरा सेट टॉप बॉक्स मैंने रिचार्ज ही नहीं करवाया है, आई थिंक डिसकनेक्ट हो गया है. सो इट्स जस्ट दैट यू नो ऑडियंसेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू सी बेटर कंटेंट, दे वांट टू सी गुड कंटेंट. लेकिन ये बात जो है वो खाली फिलहाल के लिए खाली अर्बन पॉपुलेशन तक सीमित है. मासेस को अभी भी कंटेंट मासी देखना है, कमर्शियल देखना है. इस वजह से आई फील फ़र्क फिल्म और डिजिटल में नहीं है. फ़र्क ये है कि डिजिटल में आपके पास लिबर्टी है कंटेंट की. अभी हम रिसेंटली इतनी बड़ी फिल्म के बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं. एक लिबर्टी, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो व्हाट ऑल यू हैव टू गो थ्रू, यू नो. एंड इट्स अनफेयर आई थिंक एज अ मेकर, एज अ विजनरी, एज समबडी हू हैज़ अ विजन, आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए. और पहली बात, दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, हमारी क्या हो जाता है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड रहता है. उसकी वजह से पुरानी चीज़ें आज हम एज एन ऑडियंस या एज सिटीजन ऑफ द कंट्री, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, हर चीज़ को इतना करप्ट और एडल्ट्रेट कर देते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी मिस इंटरप्रिटेशन से. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बून डिजिटल पे, जहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है. तो विच इज़ वाई एवरीबडी इज़ यू नो गेटिंग डाइवर्टेड एंड वॉन्ट टू मेक स्टफ ऑन वेब, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है. कोई उठ के बोल नहीं सकता आपने ये क्यों बनाया, आपने ये क्यों बोला, उसमें तो ये दिखाया है, उसमें तो वो दिखाया है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बून एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस आज टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई है कि आप चलते फिरते आपके हाथ में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप जब चाहें इंटरवल कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट पॉजिटिव्स एंड आई थिंक इसी चीज़ से हम लोगों को काफ़ी कुछ लेना चाहिए और फिल्म के कॉन्टेंट के बारे में 10 बार सोचना चाहिए, वॉट वी ट्राइंग टू ट्रांसलेट और ट्रांसपायर ऑन द बिग स्क्रीन ऑल्सो. सौरभ भास्कर जी, मतलब ओपन लेटर से आप सहमत दिख रही है, देखा जाए तो किसका? मैंने फिल्म देखी नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ. आई एम श्योर उनका एक पर्सपेक्टिव होगा जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूरी लेटर पढ़ी एक्चुअली, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन टू कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म. मैं देखना चाहूँगी फिल्म, बट आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज व्यूज. इफ दैट्स हाउ शी फेल्ट, शी मस्ट हैव, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड आई नो हर पर्सनली. सो इफ अगर उन्होंने अपनी ओपन लेटर में बहुत पोलाइटली कुछ कुछ चीज़ें जाहिर की हैं जो उन्होंने महसूस की हैं, आई एम श्योर उन्होंने किसी लेवल पे कुछ फील किया होगा. सो लेट्स रिस्पेक्ट हर एंड लेट्स रिस्पेक्ट मिस्टर संजय लीला बंसाली एज अ मेकर एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म. अच्छा, मूवी देखने के बाद आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आप मिलेंगे तो देखूंगी, कमेंट कर दूंगी शायद. सीरीज में देखा जाए तो एक सीक्रेट सुपरस्टार ने एक क्लिप दिखाया था जिसमें फतवा जारी हो रहे हैं कोई लड़की सिंगिंग कर रही है फ्रीडम के ऊपर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? सी आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. मैं एक दूसरे लेवल पे बात करूंगी. जैसे हमारा शो जो है हक से, वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, वो एक इमोशनल ड्रामा है. एक कहानी है चार बहनों की, उनकी माँ की, उनकी खाला की जो उनकी मासी हैं, और कश्मीर के सोशियो पॉलिटिकल हालात की वजह से वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पे उस चीज़ का, उस कश्मीर के हालातों का क्या असर होता है इन डे टू डे लाइफ. जो हम रोज़ घर से, अपने ही घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़े हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देती है, लेकिन कश्मीरी पीपल आर डिराइव्ड ऑफ दैट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सॉरी. और ये जो स्पेशली लड़कियां, क्योंकि सोसाइटी अभी भी मिसोजिनिस्टिक है, पेट्रियाकल है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो औरतें दबी हुई हैं. उनके लिए ड्रीम करना या सपने देखना या ख्वाब देखना बहुत दूर की, वो खुद में ही एक बहुत दूर का ख्वाब है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उन्हें डे टू डे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कंडीशनिंग की बात है.
तो आई थिंक वो जो ओप्रेस्ड हमारे डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज हम चारों बहनें शो में जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हमें हमारे माँ बाप लकीली कश्मीर के हालातों के बीच में भी बहुत काफ़ी लिबरल मिले हैं. एंड दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि लोगों को कैसा होना चाहिए. यू नो, सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब सेकेंडरी है. प्राइमरी ये है कि वहाँ का मेल या फीमेल पॉपुलेशन रोज़ किसी चीज़ के साथ जूझता है, एवरी डे. तो वो कंडीशनिंग ही ख़राब है क्योंकि हालात ख़राब है. तो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं. ओके मैम, 20 एपिसोड्स के बाद में क्या थिंक ऑफ यू चेंज हो गया? दैट इज एकता'स कॉल. आई होप शी डज अ सीज़न 2. वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद पद्मावत, सो एज एन एक्टर डज इट क्रिएट अ फियर इन योर माइंड दैट वन रॉन्ग डायलॉग एंड पीपल कैन रियली जज यू ऑन दैट? दे आर मोस्ट वेलकम टू जज मी. इफ आई थिंक इट्स रेलेवेंट फॉर द स्क्रिप्ट आई विल से इट. इफ आई थिंक इट्स यू नो, माय मेकर और माय डायरेक्टर हैज विद अ लॉट ऑफ थॉट you know, make that a part of dialogue or maybe some sort of behavior a part of it, I'm going to follow my script at the end of the day because that's my job. If I'm saying yes to a script, matlab, I'm saying yes to everything in the script and I'm saying yes to doing everything and saying everything in the script. So I don't think that is my call and I don't really care log kya sochte hain. My basic objective is to be true to any script or any piece of work that I'm doing and I will always do it. हाँ, आज हक से की बारी है. आपने कभी HBO की सीरीज देखी है तो आप देखोगे कितनी हाई हैव यू. आप जब कभी हक से की, हक से बोल रहा हूँ, जहाँ कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज देखी होंगी, एक स्टोरी टेलिंग होती है. आप एक बुक को पढ़ते हैं, वो जो फील आता है ना आपको, वो आपको आता है जब हक से का ट्रेलर देखते हो. वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है, पूरी की पूरी कहानियाँ. तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सबको जो देखने में, तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में. कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक से की बारी है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की चार लड़कियों की कहानी. आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस. आई थिंक सबने पढ़ी है लिटिल वुमेन. वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है. सर, उसमें जो इश्यूज है अगेंस्ट वुमेन या आप किस तरह लेते हो उस चीज को? आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी ब्यूटीफुली कश्मीर में जो उन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है, जो इश्यूज वहाँ पर वुमेन आर फेसिंग and how they come up and all the four sisters in their life, I think that's going to be a beautiful journey. Bahut hi sad ending bhi hai usme, beech mein aise characters ki cheeze bhi hai, to bahut hi dramatic story hai. So I think it's going to be very exciting for anyone and everyone to watch it. Bahut hi family show hai. In future agar aapko koi web series karne ka mauka mile to kis tarah ka web series karna chahenge? Main to bana raha hu web series, aapko dekhne ko milengi. Bahut hi exciting wali bana raha hu. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस. मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, इससे पहले मेरे दो वेब सीरीज क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पे मैंने लास्ट काम किया था, वो आई हैं. आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं. तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड. हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज बन रहे हैं. एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है. सो व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वैरायटी.
तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज बनाए जा रहे हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिल रहा है. किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा. अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग इस वक्त, लिख लेंगे फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग. See the budget that is coming out, last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us thode lower ho, to zyada paise bachenge, zyada hum kharch karenge, economy better hogi. Wo I think overall hona chahiye, and I just feel that entertainment industry na bahut hi aisi industry hai jahan par it's so difficult because yahan par sure shot guarantee nahi hoti, everything is working on passion, kuch chalta hai kuch nahi chalta hai. So I hope that kind of thought process the industry gives so much to the country, wo bhi government apne dhyan mein rakhe aur unko is tarah ki rebates, is tarah ki sahuliyat de ki wo better kar paye aur zyada risks le paye. So I think that's what I'm expecting out of the union budget at least. Do you have any plans of acting in any web series? See, when it comes to facing the camera, yes I do have plans of facing the camera, because jo maine kiya wo mujhe bahut pyar mila, bahut pasand aaya hu aur mujhe kafi acche ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से. तो आई एम सॉरी, एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं. तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. थैंक यू सो मच. अरे उमेश, विजय इधर देख. विजय, अरे क्या कर रहा है अरविंद यार? अरुण हटना यार साइड में. अरविंद बेटा, तो विजुअल ले दो पहले, डिलीट मारना. सर 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 प्लीज. हाँ चल अरविंद, हो गया. जैसा कि आप सबको मालूम है कि बालाजी के और क्योंकि सिस्टर कंसर्न है, और जो जितने भी शो आज तक बालाजी ने बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं, कई कई साल चले हैं, और उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज ज़रूर होता है, और पता चला है कि इसमें भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है. और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस सीरियल के लिए, बालाजी के लिए, ऑल्ट के लिए, कि ये भी जितने पहले शोज़ सक्सेसफुल हुए उससे भी कई ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और पब्लिक को ये पसंद आए, और जो मैसेज इसमें दिया गया है उसके ऊपर वो अमल करें, उसको समझें कि क्या कहना चाहते हैं, और आगे सही रहे सब कुछ. Thank you.
क्या कहना चाहेंगे मैम आज कई स्क्रीनिंग रखा गया है अच्छे सबसे पहले तो मैं बालाजी की पूरी टीम को और शोभा मैम को एकता को शादाब जी को और जितने भी ये रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं और इसमें जो हार्ड वर्क कर रहे हैं राका जी वगैरह के सबको लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी और वेल्डन कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे यूज़फुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और मैं इनको आई क्रॉस माई फिंगर्स के गुड लक देना चाहूँगी ऑल द बेस्ट देखा जाए तो कि एकता मैम के जो सीरियल्स वो भी टॉप पे रहते हैं और वेब सीरीज भी आजकल टॉप पे चल रही है क्या कहना है इसके बारे में एकता मैम देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें जाहिर है कि वेब सीरीज़ वगैरह बहुत कामयाब हो रही हैं और बहुत ही एक अच्छा ज़रिया इब्लाग है एक बहुत अच्छा मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपनी बात जो है आम जनता तक पहुंचा सकते हैं पहले ये होता था कि पिक्चर हाउस में जाएं फिल्म देखें और जाहिर है कि हर फैमिली के लिए और हर इंसान के लिए जो लोग बिज़ी होते थे उन लोगों के लिए भी डिफरेंट लाइफस्टाइल वालों के लिए ये मुमकिन नहीं होता था फिर टीवी घर घर आ गया लेकिन उसके बावजूद भी स्टेज थिएटर वगैरह ऐसा होता था कि मीडिया के जिस पर जाकर लोग एंजॉय करते थे लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया आया है ये बेस्ट है कि आप बैठे हुए कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप अपने ग्रीन रूम में बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं लंच ब्रेक है कुछ है चलते फिरते आप मोबाइल पर देख लें तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा कर रहा है ये मीडिया और इसके ज़रिए अपनी बात पहुंचाना आसान भी है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है तो इट्स वेरी गुड थैंक यू वेरी मच एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हक से हमें यहाँ इनविटेशन मिला है और हम हक से यहाँ पर आए हैं क्योंकि ऑल्ड बालाजी बालाजी का ही एक फैमिली मेंबर है और हम भी बालाजी के फैमिली मेंबर हैं तो ये हमारा हक है कि हम हक से देखने आए हैं आप क्या कहना चाहेंगे ऑल्ड बालाजी यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ बालाजी सो हमें बहुत प्राउड फील होता है जब बहुत न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टॉपिक्स को लेके इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि डेली सोप के यू नो कंटेंट से हट के कुछ बहुत ही अलग बनाया जा रहा है इवन बोस जो ऑल्ड बालाजी के और एक डिजिटल फिल्म है बहुत सुपर प्राउड फील होता है कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है फ्रॉम आर हाँ मतलब जिस फैमिली के हम मेंबर हैं आजकल ज़माना ही डिजिट आपको पता है कि डिजिटल ज़माना है और आगे आने वाले समय में तो ये चीज़ें और ज़्यादा मार्केट में आएंगी तो मुझे लगता है कि बालाजी एक हमेशा से ऐसा प्रोडक्शन हाउस रहा है जिसने हमेशा समय से पहले चीज़ें सोची है और इस बार भी उनकी वो सोच बरकरार रही है तो जब ऑल बालाजी लॉन्च हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा काम है समय से पहले चलना और एकता मैम वही कर रही हैं फील्स वेरी नाइस क्योंकि डिजिटल स्पेस इतना अभी सबके पास इंटरनेट है और सब लोग अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें देखना चाहते हैं और डेफिनेटली जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं दे वांट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देयर टेस्ट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और आने वाले समय में तो इतना वक्त भी लोगों के पास में नहीं होगा कि वो घर में बैठकर चीज़ें देख सकें हाँ एग्जैक्टली घर में कितने लोग रहते हैं तो जिस वक्त जो वक्त मिला है उस वक्त में उनके पास में क्या अवेलेबिलिटी है आई थिंक पब्लिक उसी पे जाएगी और ये उसकी शुरुआत है थैंक यू yeah.
age only. She's woken up at 7:30. I'm like waking her up in the morning. मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मैंने इनफैक्ट कल टेस्ट केस भी देखा और कंटेंट वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत मज़ा आया सारे एपिसोड्स में. तो आज भी मैं ऐसी होप से आई हूँ कि हक से इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर कंटेंट ड्रिवन शो व्हिच इज़ लुकिंग लाइक इट हैज सम रियली प्रिटी फेसेस. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जैसे कि इन्होंने कहा, मैंने टेस्ट केस नहीं देखा, मिस कर गई, शूट कर रही थी. बट आज हमें खास यहाँ पर बुलाया गया है. And looking forward, Rajiv has always been a fabulous actor. I go back a very long way with him, and so along with them, Surveen ke saath saath bhi. So I'm looking forward to watching both of them perform. Kiski performance ke liye? In fact, mere kafi sare friends hain jo perform kar rahe hain. Parul Gulati hai, Anchal hai, aur Rajiv Khandelwal pe mera ek time pe crush tha. So sab performances dekhne ke liye. Surveen is a very good actor. So I'm actually excited to watch all their performances. Yeah. I think. Yeah, we've been waiting for this. Hakse. It's a growing medium, and it will keep on growing. जिस तरह टीवी आज एक इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, आई थिंक डिजिटल इज गोइंग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स वी आर गोइंग टू सी डिजिटल एट अ वेरी बिग स्केल. सो यस, गुड लक टू ऑल. इट फीचर हम देख सकते हैं आपको वेब सीरीज में? अगर चाहे तो, मतलब अगर कोई पूछेगा मांगेगा तो यस ऑफ कोर्स. थैंक यू. ठीक है. ठीक है आपके लिए. अच्छा, पूरा चेहरे पे आता है ना. जी, वेल, हक्से को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं सेंटर लुक दूँ सबके लिए? ठीक है, बेटर है ना. सी, सो मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स शॉर्ट एंड स्वीट एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव. और डायरेक्टर मेरे फ्रेंड है कैन, और मैं यहाँ पर एकता के लिए आई हूँ. और जैसे मैंने ट्रेलर देखा, आई थिंक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे जिंदगी चैनल के बारे में यू नो याद दिलाया इस ट्रेलर ने. सो इट वॉज वेरी रियल एंड वेरी नाइस. That's it? Okay. Too many mics, my goodness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, I did too many. Action. Yes, I'm very excited for Hakse and all the shows on Balaji, Alt Media. And I think वो लोग बहुत अच्छे अच्छे shows बना रहे हैं, और specially मुझे हक्से से थोड़ा ज़्यादा connection है क्योंकि उसमें Mirza sisters की story है. Mirza sisters हैं, and we have one Shireen Mirza here. I think वो बहुत अच्छी होने वाली है, and I just want to wish them all the best, and I think it's gonna be the best stories on screen. All of them. मेरी friend है हक्से में, Parul Gulati, so I'm really looking forward to you know see her work and all. And the good thing about All Balaji is कि अलग अलग concepts के ऊपर web series आ रही हैं. This is about four sisters, about their bonding, about each one of their journey. So I think मज़ा आएगा देख के. I think इन्होंने सब कुछ बोल ही दिया है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा excited हूँ.
एंड ऑल बालाजी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर देम. या थैंक यू. Yeah, I saw the promo and I loved the promo, and I think it's very very unique. And of course, if Ekta ma'am is bringing something, and I'm sure 100% she'll bring something interesting on screen. And of course, I'm looking forward to see Rajiv sir. I'm looking forward to see all the other actors. Basically I'm a Kashmiri Pandit, so if this is something on Kashmir, so I have not seen many good work on Kashmir. तो ये जब प्रोमो देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई, और जब मुझे इनवाइट किया तो दैट वाज द बिगेस्ट किक फॉर मी टू सी समथिंग ऑन कश्मीर एंड कश्मीरी विमेन. तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जितना मैंने प्रोमो में देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो लेट्स सी हाउ द इवनिंग इज गोइंग टू बी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड वन. मैं तो सीटी मारने वाली हूँ राजीव खंडेलवाल और सुरवीन चावला के लिए. एंड द प्रोमो लुक्स रियली अमेजिंग एंड आई रियली विश ये सीरीज हिट जाए. थैंक यू सो मच. वेब सीरीज में गर्ल्स अब भी इंडिपेंडेंट नहीं है ये दिखा रहे हैं कश्मीर के बारे में. अब भी इंडिपेंडेंट नहीं है. नहीं, ऐसा है कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, क्योंकि चाहे वो हमारे देश का पार्ट है और कुछ टेररिज्म वहाँ काफ़ी सालों से रहा है, तो शायद कहीं वो पीछे रह गए. लेकिन मेरे हिसाब से जितना प्रोमो से पता चलता है कि वो फाइट आउट करती हैं और आगे आती हैं, तो वो तो देश में सभी जगह हैं. हम कितने भी मतलब जहाँ टेररिज्म नहीं भी है वहाँ पे भी लड़कियाँ फाइट आउट करके ही आगे आती हैं. इनफैक्ट हम जो शोज़ भी करते हैं उसमें भी हम लोग रिग्रेसिव नहीं, ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि औरतें जो हैं वो बराबर हैं और हक से अपना हक मांगेगी. तो मुझे लगता है कि वो एक पोर्शन हम दिखा रहे हैं और स्टोरी टेलिंग वो उसको कर रही है. अदरवाइज़ हक से तो सभी सबका हक बनता है, मतलब 50-50% है, कोई ना पीछे ना कोई आगे. तो आई गेस इसीलिए वो एक रीजन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. लेकिन मतलब कोई भी सप्रेसिव नहीं रहेगा. Also, I think in addition to this, it's a very personal choice, how you fight and how you come up. Whether you accept it or you not, I mean, I have actually come across few, you know, real example in my life, in my, you know, in my friend circle, they have actually fought and they have come out of it and they do not have any problem. It's like a personal choice, you know, how you take up things and all of that and how you fight against it. So, yes, so, अभी इसके बारे में बात करते हैं, कश्मीर के मुद्दा बाद में उठाएंगे. सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड ऑल द ग्रेट एक्टर्स. आई मीन इट्स अ ट्रीट टू वॉच राजीव सर ऑन स्क्रीन. सो आई थिंक आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हम लोग सच का सामना से लेके. एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट शो? आमिर आई लव्ड इट. आई थिंक आई कहीं तो मिले नहीं समथिंग आमना एंड गाइस. आई थिंक ही सुजल. आई यूज्ड टू आई एम वैसे मैं टीवी में काम करता हूँ, वैसे कुछ बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं टीवी का, बट उनके शो में देखता था मुझे. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. यार ये कहा तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी एक्टर्स इन इंडिया. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग से मुझे तो मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. रिपोर्टर मेरा दिमाग खा रहा है भाई, मुझे क्या बोल सर थोड़ा आ गया मैम. बहुत एक्साइटमेंट है यार, ऑल्ट के सभी वेब सीरीज बहुत ही अच्छे होते हैं. लास्ट मैंने बोस देखा था और एंड इट वाज अमेजिंग, और आई एम श्योर ये भी बहुत ही अच्छा होगा. तो बहुत एक्साइटेड है एंड लेट्स सी. मैडम बहुत एक्साइटेड है, हम यहाँ आए हैं अपना लाइक काम खत्म करके, दैट शोज एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट.
सभी को सभी को देखते हैं सभी को डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट शोज के लिए बालाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसे शुरुआत की वेब सीरीज के बारे में एकता कपूर तो बेसिकली शी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई रियली लाइक हर एंड बालाजी ने हरदम जो भी नई शुरुआत की है टेलीविजन हो या मूवी हो वो बालाजी से ही शुरुआत हुई है आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से मतलब जो पूरा चेंज आया है टीवी सो एकता की ही वजह से आया है सो इट हैड टू स्टार्ट फ्रॉम बालाजी ओनली पार्डन यू कम दिस साइड कम हेलो कम प्लीज प्लीज जॉइन हाँ तो बहुत अच्छा लगता है सराहा जाता है और अभी रिसेंटली हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और भी बहुत हज़ारों एपिसोड्स कंप्लीट करने हैं तो या बहुत अच्छा लगता है थैंक यू हक्से की स्क्रीनिंग है ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं सुबह से स्क्रीनिंग चल रही है एंड मैं अभी भी हक्से की डबिंग ख़त्म करते आ रहा हूँ तो एक अच्छा कैमियो है इसके अंदर जो लोगों को आई थिंक द 9th एपिसोड में दिखेगा जब मेरी एंट्री होती है सो क्वाइट एक्साइटेड मैं एक्चुअली अपनी टीम को सपोर्ट करने आया हूँ आज हाँ जी हाँ जी मुझे सबसे अच्छा इस सीरीज़ के अंदर ये बात अच्छी लगी है कि सारी ऑडियंस के लिए एक फैमिली ड्रामा है ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो यूथ के लिए जहाँ तक इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी लेट होती है तो जो मेरी ऑडियंस है वो बाद में आएगी राजीव की इतनी अच्छी ऑडियंस है सुरवीन की और सारे एक्टर्स की वो तो है ही और एट द सेम टाइम इट्स अ नाइस टचिंग स्टोरी तो एंड इट फ्रॉम अ वुमेंस पर्सपेक्टिव दीज फोर वुमेन तो काफ़ी अच्छा होगा इन रियल लाइफ सर सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज जो भी हैं आई थिंक आई फील बैड फॉर पीपल हु आर एक्चुअली देयर एंड आई एक्चुअली लुक अप टू देम एज वेल कि वो लोग वहाँ से निकल के कहीं और जाना नहीं चाहते वो अपनी देश अपनी धरती में कुछ करना चाहते हैं हमारे शो में भी हमने ये मुद्दा छेड़ा है जब लोग लड़की कहती है कि मैं जो भी करूँगी यहाँ रह के करूँगी अपने कश्मीर के लिए करूँगी एंड दैट्स वंडरफुल सोल्यूशन यही है सर कि या तो आप कश्मीर को एक इंडिविजुअल एंटिटी दे दीजिए या तो फिर है ना किसी के लिए लड़िए मत सबकी जगह है यार मतलब ये सारी बाउंड्रीज हम लोगों ने बनाई हैं यू नो मुंबई से अगर मैं दिल्ली चले जाता हूँ वहाँ पे मुझे तो कोई लक्ष्मण रेखा दिखती नहीं तो ऐसे कहीं होना नहीं चाहिए यू नो इट्स आई मीन पहले हिंदुस्तानी बन जाओ एक इंसान बन जाओ फिर बाकी की बात कर डांस में मुझे डायरेक्ट किया था एंड आई एम रियली रियली क्लोज टू हिम सो आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट हिम एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो मैंने इसका ट्रेलर देखा है सो आई नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम श्योर ही इज गोना किल इट अगेन सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम अ लॉट ऑफ लक एंड सपोर्ट हिम फोर सिस्टर्स की कहानी है एंड आई थिंक बहुत ही सॉरी ट्रेलर में दिख रहा है यू नो कि एक हर एक सिस्टर की एक एक स्टोरी है सो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला जितना ट्रेलर में लग रहा है इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग सो या दैट्स इट थैंक यू
everybody. I am really excited because I watched the trailer with Ekta ma'am and with Ken sir, and when I watched it, I really had goosebumps. So I'm really excited to watch it. And I watched Test Case yesterday, it was amazing. But Huxley is more of my favorite, I think. So I'm gonna go and watch it. Thank you. Sorry? Why? Because I worked with Ken sir and I saw the trailer. There's something about the trailer which I felt was really simple, and there's, I don't know, I just could connect to it. I felt nostalgic watching the trailer, so maybe that's why. Yeah. Yes. So Ken sir ne aapko last episode mein support bhi kiya tha, direct bhi kiya tha. Yes. Unke bare mein kya kehna chahenge? Oh, he's an amazing director. So we just could shoot like one episode with him, but that was amazing. It was so quick. He knows his work. He's one of my favorite directors. He's one of the best directors I worked with, actually. Yes, I'm doing Kapoor's again with Old Balaji, with Kushal and Ridhima Pandit, and my film is going to be out in April, called Hotel Milan, opposite Kunal Roy Kapoor. So stay tuned, guys. Isha is so the show is based in 1990s. She's a very ambitious girl. She wants to go there and get the world. And yeah, I think you should wait till the trailer or the show comes out. Yeah. Thank you so much. I styled this myself. I think it's inspired by Kylie and Kendall Jenner. So yeah. Thank you so much.